हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसाला बैंगन। मसाला बैंगन बनाना बहुत ही आसान है। हर बार एक ही तरीके का बैंगन खा कर थक चुके हैं, तो एक बार इस तरीके से बैंगन बना कर देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं सामग्री क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन लिया है, इसको काट कर मैंने पानी में रखा है। अब हमें यहाँ पर मसाला रेडी करके लेना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधे कप से थोड़ा कम नारियल लिया है, आधा कप जितना मैंने धनिया लिया है और आधे कप से थोड़ा कम मैंने मूंगफली को लिया है। इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना कर लिया है। अब हमें दूसरे साइड पर कढ़ाई रखनी है, गैस ऑन करना है, हाई फ्लेम पर रखना है। अब हमें तेल को अच्छे से गरम करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच सरसों डाला है। अब मैं यहाँ पर आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने अब यहाँ पर दो मीडियम साइज़ के प्याज को काट कर डाला है। ये देखिए, अब हमें इस प्याज को अच्छे से फ्राई करके लेना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है एक चम्मच जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने इसी तरह सारे प्याज और अदरक लहसुन को अच्छे से इसको भून के लिया है। अब हमें इसमें डालना है बैंगन को। मैंने यहाँ पर बैंगन को काट कर अच्छे से वॉश कर इसमें डाला है। इस तरह से मैंने यहाँ पर सारे बैंगन डालकर इसको मैं अच्छे से ऑयल में फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें इस बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये बैंगन सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक हमें इसी तरह ऑयल में फ्राई करते रहना है और इसके ऊपर कोई भी एक प्लेट ढककर आप 5 मिनट तक इसको पकने दे सकते हैं। लेकिन मैंने इसी तरह 5 मिनट तक हिलाते हुए इस बैंगन को अच्छे से कलर चेंज होने तक भून के लिया है। अब हमें इसमें डालना है, ये देखिए ये अच्छे से भून चुका है। अब हमें इसमें डालना है एक चुटकी जितनी हल्दी डालनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आधा किलो बैंगन के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स किया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर और बैंगन को अच्छे से मिक्स किया है। इसी तरह मैंने यहाँ पर 2 मिनट तक हिलाते हुए इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। इसके बाद हमें इसमें डालना है मसाले, जो मैंने यहाँ पर नारियल, मूंगफली और धनिया पत्ती का मैंने जो पेस्ट बना कर लिया था इसको मैं इस बैंगन में डाल रही हूँ। डालने के बाद आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने इस तरह से मिक्स करते हुए बैंगन को और मसाले को अच्छे से यहाँ पर मिक्स किया है। इस तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसमें थोड़ा सा जो मिक्सर जार में पानी डालकर इसमें डालना है, थोड़ा सा ही। इसके बाद हमें इसको अच्छे से फिर से एक बार मिक्स करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 कप जितना पानी डालना है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पर 1.5 से 2 कप जितना बॉयल किया हुआ पानी डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने बॉयल किया हुआ पानी डाला है, यहाँ पर 1.5 कप के करीब मैंने पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स किया है, क्योंकि ये पहले से ही बैंगन फ्राई हो चुका था ऑयल में, इसीलिए मैंने थोड़ा कम ही पानी यूज़ किया है। ये देखिए, इसको हमें 5 मिनट तक पकाना है। अब हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इस बैंगन को रेडी करके लेना है। इसको और 5 से 10 मिनट तक आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे, नहीं तो लो फ्लेम पे रख के अच्छे से पकाना है। ये पक जाने के बाद आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं या चावल के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा ग्रेवी रखना है। ये देखिए, ये अच्छे से पक चुका है। अब हमें यहाँ पर इस स्टेज पे गैस ऑफ करेंगे और यहाँ पर हम सर्व करने के लिए ले लेंगे। ये अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको
ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।